नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है भाई, जिनके पास, अब एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे भाई, सरकार ने ऑप्शन दे रखा है कि जिनके वीज़ा 2020 से 1 मार्च से पहले जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए, उनको फाइन माफ़ी का ऑप्शन दिया गया है। 1 मार्च के बाद में उनको भी फाइन माफ़ी का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये फाइन माफ़ी कब नहीं मिलेगी ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, अब कुछ मामलों में फ़ाइन माफ़ी नहीं मिल पा रही है लोगों को, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है, इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों के साथ क्या हेल्प की, आने वाले में कितने लोग दुबई से इंडिया आ चुके हैं, इंडियन एम्बेसी आने वाले टाइम पे क्या करने वाली है ताकि इन चीज़ों में सहूलियत हो जाए, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। मैं बता दूं भाई कि ये फाइन माफी का ऑप्शन आपको पता है वैलिड है, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है उनको ही फाइन माफी मिलेगी। अगर मान लीजिए आपका पासपोर्ट खो गया, आपका पासपोर्ट कफील ने नहीं दिया, आप खली बली हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, उन लोगों को फाइन देना पड़ रहा है। जी हाँ, अभी तक की डेट में, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फाइन देना पड़ेगा। लेकिन अभी, जी हाँ, अभी की डेट में बता दूं, 27 अगस्त को इंडियन एम्बेसी ने ये ट्वीट करके घोषणा की है कि भाई अब जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनको एक मुश्त कुछ डॉक्यूमेंट के साथ में हम उनका पासपोर्ट बना के देंगे ताकि वो बिना फाइन जमा कराए आराम से एयरपोर्ट से निकल सकते हैं। उनके लिए उन्होंने बताया कि पासपोर्ट की कॉपी, फोटोकॉपी आपके पास कम से कम होने चाहिए 2, आपके पास आईडी प्रूफ जो आपकी फोटोग्राफ होने चाहिए 2, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर पासपोर्ट की कॉपी भी नहीं है तो आपके पास इलेक्शन कार्ड, जी हाँ, जिसको बोलते हैं चुनाव पहचान पत्र होता है ना आपके पास, चुनाव वाला जिससे हम वोटिंग करते हैं, उस वो होता है तो भी चला लेंगे। उसके आधार पे आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में कि भाई आप रियल में इंडिया के हो इसी एड्रेस पे, उसके बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दिया जाएगा जिससे आप बाकायदा एयरपोर्ट छोड़ के आराम से अपने घर आ सकते हो बिना कोई फाइन दिए हुए। जी हाँ, इसी ने आगे बताया कि पिछले महीने में 1000 लोगों को अब तक ये डॉक्यूमेंट हम दे चुके हैं, 1000 पर डे के लगभग 30 से 40 लोगों को ये डॉक्यूमेंट बना के दिया गया जिनके पास पासपोर्ट नहीं। इंडियन एम्बेसी ने बोला भाई 17 अक्टूबर लास्ट है, उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे इंडियन लोग हैं जो इस तरह से रह रहे हैं, जिनको फाइन माफी मिल रही है, 17 अक्टूबर से पहले अपनी कंट्री चले जाएं ताकि वो ब्लैकलिस्ट होने से प्लस उनका फाइन होने से बच जाएं। ये कि बता दूं, रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन एम्बेसी की रिपोर्ट के अनुसार 3,75,000 इंडियन लोगों ने यूएई अमीरात छोड़ा है। जी हां साथियों, अरब अमीरात से निकल चुके हैं, इंडिया पहुंच गए हैं 3,75,000, लगभग आप मान सकते हैं लगभग 4 लाख के करीब। जी हाँ, दुबई और उत्तरी अमीरात से, जी हाँ, 3,20,000 लोग अभी तक इंडिया आ चुके हैं दुबई वे छोड़ के। और भैया फ्लाइटों की आपको पता है बुकिंग चालू है, जब भी किधर से आना जाना हो तो भाई टिकट बुक करके आप आ जा सकते हैं। बस ये 2-3 अपडेट थी, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।